नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी देख चुके थे। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन के बारे में, एमपी राज्य का पुनर्गठन कब हुआ इसे देखते हैं। स्वतंत्रता पश्चात मध्य प्रदेश को थ्री स्टेट यानी कि ए बी तथा सी में बांटा गया। सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर पार्टे बनाया गया। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया जिसका नाम मध्य भारत रखा गया। उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया और बनाया गया भोपाल पार्ट सी का भाग था, याद रखिए। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया और उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया। अब बात करते हैं स्टेट और राजधानियाँ। स्टेट ए, इसकी राजधानी थी नागपुर। स्टेट बी, इसकी राजधानी ग्वालियर तथा इंदौर रही। स्टेट सी, तो इसकी राजधानी रीवा रही। ठीक है, वो महाकौशल था जो, इसकी राजधानी जबलपुर रही। तो याद रखिए, स्टेट ए की राजधानी क्या रही? नागपुर। स्टेट बी की राजधानी क्या रही? ग्वालियर तथा इंदौर। स्टेट सी की राजधानी क्या रही? रीवा। महाकौशल क्षेत्र की राजधानी क्या रही? जबलपुर। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। 1953 में बने फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ भाषाई आधार पर। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिशों के आधार पर राज्य की सीमाओं में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य महाराष्ट्र में मिला लिया गया। शेष पार्ट ए का भाग मध्य प्रदेश का भाग बना। तो याद रखिए, बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य में मिलाया गया और शेष जो पार्ट ए बचा हुआ था उसे मध्य प्रदेश का भाग रहा। फिर आगे देखते हैं, मंदसौर जिले को भानपुरा तहसील के सुनेल ठप्पा को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में लाया गया। शेष पार्ट बी का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग है। पार्ट सी स्टेट विंध्य प्रदेश का पूरा पूरा भाग वर्तमान मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो याद रखिए, पार्ट सी का पूरा भाग मध्य प्रदेश में मिलाया गया। भोपाल राज्य की वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग बना। भोपाल राज्य भी नव निर्मित मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43। 43। आगे देखते हैं, 16 नवंबर 1972, कब? 16 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव को नए जिले बने और जिलों की संख्या हो गई 45। 1972 में जिलों की संख्या हो गई 45, 45। 1 नवंबर 1956 को कितने थे? 43, 43। और 16 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव दो नए जिले बने, तब जिलों की कुल संख्या हो गई 45, 45। नवीनतम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया जो पूर्व में सीहोर जिले की एक तहसील थी। बी आर दुबे, कौन? बी आर दुबे की अध्यक्षता में गठित
बी आर दुबे, याद रखना बी आर दुबे की अध्यक्षता में गठित जिला पुनर्गठन आयोग, जिला पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1998 में 10 नए जिले बने। 6 और जिले 1998 में गठित सिंहदेव समिति की सिफारिश पर बने। इस प्रकार जिलों की संख्या 61 हो गई थी कुल। याद रखिए, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो 43 जिले थे। 1972 में भोपाल और राजनांदगांव को जोड़कर 45 हो गए। फिर बी आर दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग बना। 1998 में 10 नए जिले जोड़े गए, ठीक है, तो 55 हो गए। और फिर 6 और नए जिले जोड़े गए सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 1998 में, तो 61 जिले हो गए टोटल, ठीक है। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने से 16 जिले नवीन राज्य में चले गए और मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या 45 हो गई। तो याद रखिए, 61 में से 16 जिलों को हटाकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना और 45 जो जिले बने वो मध्य प्रदेश में रह गए, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ष 2003 में 3 जिले बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से, अशोकनगर गुना से का गठन किया गया, ठीक है। किस किस का? दो हजार तीन में, याद रखना, 3 जिले बने बुरहानपुर अनूपपुर और अशोकनगर। बुरहानपुर अनूपपुर अशोकनगर, इस प्रकार जिलों की संख्या 48 हो गई। 2008 में प्रदेश सरकार ने अलीराजपुर तथा सिंगरौली को जिला बनाया, जिससे एमपी में जिलों की संख्या 50 हो गई, 50। 2013 में बात करें तो प्रदेश सरकार ने आगरा को नया जिला बनाया, जिससे अब जिलों की संख्या हो गई थी 51, ठीक है। और अभी 2018 में एक नया जिला और बना, निवाड़ी, टीकमगढ़ से अलग होकर। तो याद रखिए, अब टोटल जिलों की संख्या है एमपी में 52, 2019 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश को 1956 से पूर्व मध्य भारत कहा जाता था। मध्य भारत प्रांत 25 रियासतों से मिलकर बना था और राजधानी ग्वालियर और इंदौर थी, ठीक है। विंध्य प्रांत 38 रियासतों से मिलकर बना था और इसकी राजधानी रीवा थी। सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हुई, मकड़ाई रियासत हरदा, ठीक है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश पुनर्गठन देखते हैं। 1847 से 1956 तक मध्य प्रदेश के स्थान पर 4 राज्य, सीपी वरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट, ठीक। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, 43 जिले थे इस समय। फिर 1972 में 45 जिले हो गए, भोपाल और राजनांदगांव दो जुड़ गए। फिर 25 मई, कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, तो याद रखिए 25 मई, कब? 25 मई 1998 को 4 नए जिले जोड़े गए, बड़वानी, शिवपुर, कटनी, डिंडोरी। कौन कौन से? 25 मई 1998 को 4 जिले कौन से जोड़े गए? बड़वानी, शिवपुर, कटनी, डिंडोरी। फिर 10 जून 1998 की बात कर रहे हैं, 3 नए जिले और जोड़े गए, उमरिया, हरदा, नीमच। 10 जून 1998 को 3 नए जिले जोड़े गए, उमरिया, हरदा, नीमच। फिर 1 नवंबर 2000 की बात करें, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और 84वां संशोधन विधेयक था ये। 2003 में नए 3 नए जिले जोड़े गए, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। 2008 में 2 नए जिले जुड़े, अलीराजपुर और सिंगरौली। 1 अप्रैल
2012 को, 1 अप्रैल 2012 को 9 तहसीलों में मध्य प्रदेश में अस्तित्व में आ गई। अब मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या 352, लेकिन करंट में बढ़ गई है, देख सकते हैं। शहडोल में बोडार, गुपारू, नीमच से रामपुरा, छिदवाड़ा से चांद, बालाघाट से बिरसा, सिंगरौली से सरई माड़ा, अलीराजपुर से कट्टीवाड़ा सोंडवा। अगस्त 2003 की बात करें तो शाहजहाँपुर ज़िले से अलग कर आगर जिला बनाया गया। इस प्रकार 51 ज़िले हो गए एमपी में। लेकिन याद रखिए, अभी पिछले पीछे भी बात कर चुके हम लोग, टीकमगढ़ ज़िला जो था इससे अलग करके पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा को मिलाकर एक नया ज़िला बनाया गया, निवाड़ी, ठीक है। अब इस प्रकार 52 ज़िले हो गए एमपी में, ठीक। तो ये था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जनसंख्या के बारे में मध्य प्रदेश की।